अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम टेक वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो है हाउ टू इंस्टॉल इन पे 3.1। तो आपने सबसे पहले ये फाइल है, आपको लिंक मिल जाएगा या पहले कमेंट्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे इन पेज पे आपने आ जाना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। 123 इसका पासवर्ड है। इन पेज में आ जाएँ तो यहाँ पर ये आपके पास सेटअप फाइल है, इसको राइट क्लिक करना है और रन एडमिनिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप रन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास ये यस का बटन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन चलेगा। और इससे पहले एक चीज़ कि आपने इसको राइट क्लिक करना है, अगर आपके पास ये इंस्टॉल ना हो रहा हो तो आपने यहाँ पे कैपेबिलिटी पे आना है और इसको विंडोज 7 रखना है, अदरवाइज़ ये आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा। यानी कि कैपेबिलिटी को आपने लाजम चेक करना है, उसको विंडोज 7 रखना है। आपने यहाँ पर उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट कर लेने हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट है, यस नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे फिर दोबारा नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, तो यही नेक्स्ट आ गया, आपने प्रेस कर देने। और फिर यहाँ पे अगर आप क्विक लॉन्च पे शॉर्टकट नहीं रखना चाहते, मैं नहीं रखना चाहता, हटा देता हूँ, दूसरी दोनों ऑप्शन मुझे चाहिए, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, ये ऑप्शन आगे तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपसे टाइम लेगा, एक आध मिनट यहाँ पे इसका लगेगा। तो जैसे ही ये आगे एक्सट्रैक्टिंग फाइल करेगा, तो आपके पास नेक्स्ट आगे जो प्रोसेस है वो विंडो इंस्टॉलर वो इस तरह से चलेगा, जिसमें ये कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास इंस्टॉल करेगा। और इसके दौरान एक अलग सा इसका प्रोग्राम खुल के आएगा, जो यहाँ पे लाजम आपके पास शो होगा और उसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आ चुका है यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन इंस्टॉलर, तो इसको आपने नेक्स्ट करने हैं और यहाँ पे एक बार एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देने हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक किया, मेरे पास ये नोटिस आया है, मैं नोटिस को यहाँ पर नो कर देता हूँ। जैसे ही नो किया है तो ये यहाँ पर आगे इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये यहाँ पे आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, इस पर 1 से 2 मिनट आपके लगेंगे। ये कंप्लीट होगा तो आगे ये जो बटन आपके पास नीचे इन पेज पे आ रहा है, ये तब ऑन होगा वापस। तो इसके इंस्टॉल होने का आपने यहाँ पे इंतज़ार करना है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये कंप्लीट इंस्टॉल फिनिश कर दें। जैसे ही फिनिश पे मैंने क्लिक किया है, तो ये आगे नेक्स्ट हमारे पास दोबारा इन पेज कंप्लीट इंस्टॉल हो गया, फिनिश का बटन आ चुका है। यहाँ पे मैंने नो करने और फिनिश पे क्लिक कर देने हैं। रीस्टार्ट मैंने नहीं किया, अलबत्त इसको रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये इसका आइकन आ चुका है, यहाँ पर एक एरर आता है, क्लिक करने और ओपन पे क्लिक कर देना है। और दूसरी बात, आपके पास अगर यहाँ पर फनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं है या पाक उर्दू इंस्टॉलर नहीं है, तो ये आपके पास वर्क नहीं करेगा। तो ये होना लाजम है, वीडियो के साथ मैं पिन कर दूंगा, तो उससे आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये एरर आपके पास आएगा, सेंशनल की नॉट फाउंड। तो इसके लिए एक आसान ऑप्शन है, आपने क्या करना है, यहाँ वापस आना है। इन्होंने खुद ही ये एक हमें ऑप्शन दिया हुआ है इन पैचर का, आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है, पैचर ओपन होगा। यहाँ पर पैच पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपने यहाँ विंडो सी पोटिशन में जाने, यहाँ पे 86 पे चले जाएं और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा इन पेज। इन पेज के अंदर इन पेज प्रोफेशनल है और यहाँ पे इस पे जाके क्लिक करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसको कर दें बंद और यहाँ से भी बंद कर दें और इसको आप डबल क्लिक करें। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ये मेरे पास ऑन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि बिल्कुल ईजी वर्क है। इसमें तो इसको इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, फनेटिक कीबोर्ड जैसे ही मेरे पास था तो ये नीचे यहाँ पे उर्दू ऑटोमेटिकली खुद आ चुका है। तो इस तरह से ये आप इसको अपने पास यूज़ कर सकते हैं किसी भी विंडो में, विंडो 7, 8, 10, 11 जो भी विंडो है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।